गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं परवेज और मैं आज जा रहा था हाजी मलंग दरगाह। वैसे मैं फ़िलहाल हूं घाटकोपर स्टेशन पे और हम लोग घाटकोपर स्टेशन पे ट्रेन आ चुकी है। हम लोग चले गए ट्रेन के अंदर, तो थोड़ी देर पे देखता हूं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाइव दिख रहा था। मैं यहाँ पर खड़ा होके गेट के पास खड़ा हुआ और वीडियो निकालने लगा, तो जैसे ही कुछ स्टेशन आते हैं ना डोंबेवली के पास, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। वैसे ये नॉर्मल है मुंबई के लिए। और हम लोग पहुँच गए कल्याण जंक्शन। कल्याण जंक्शन आप लोग जैसे ही जाएंगे ना, तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे टैक्सी रिक्शे वाले मिलते हैं जो हाजी मलंग दरगाह की तरफ लेके आपको जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो कम से कम पैसों में जा सकते हैं। जैसे ये BST बस चलती है तो उसका एक बंदे का टिकट रहता है 20 रुपये। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और बस स्टॉप में जाके वहाँ से हर आधे आधे घंटे में आपको बस मिल जाती है। हम लोग चलते चलते ना टैक्सी में वैसे हम लोग गए थे और हमको मिली थी एक बैलगाड़ी जो मैं बहुत दिनों बाद देखा हूँ। I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं मलंगगढ़ के नीचे, यानी बिल्कुल नीचे हैं अभी पहाड़ के नीचे, और हम लोग चढ़ेंगे ऊपर तो उसके लिए लगता है 2 से 2.5 घंटे का टाइम। तो हमने सोचा थोड़ा सा पेट पूजा किया जाए, तो फिर हम लोग बैठ गए नाश्ता करने के लिए। अगर आप कुछ देर तक चलते हो ना, तो वहाँ पे चढ़ान में आप लोग को मिलते हैं कुछ डंडे रखे रहते हैं। इनका कॉस्ट किसी का 20 रुपये, किसी का 30 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। ये इसलिए लोग लेते हैं क्योंकि ये सहारा बनता है हमें ऊपर जाने के लिए, और सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं तो थोड़ा सा ये हमारा सहारा देता है। तो ये 20 से 25 रुपये के अंदर मिल जाता है। फिर यहाँ पर आप लोग को क्या मिलता है, एंट्री फीस लगती है। यहाँ जाने का आपको 5 रुपये लग जाता है, तो ये भी आपको 5 रुपये पर पर्सन लगता है। गाइज, अगर कोई बूढ़े आदमी हैं और ऊपर नहीं जा पा रहे ना, तो उनके लिए पालकी रहती है और दो से तीन लोग उनको लेके ऊपर जाते हैं, कुछ पैसे चार्ज करते हैं और वो ना आपको ऊपर तक ले जाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. देख सकते हो ये फैयाज भाई, उनके बाजू में बॉडीगार्ड हैं, लेकिन ये मुझे मारने को दौड़ रहे क्योंकि ये परेशान हो गए थे चढ़ते चढ़ते। आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। और ये जो दिख रहा है, ये था स्टेशन जो बन रहा है अभी, काफ़ी दिनों से बन रहा है, और ट्रेन की पटरी भी बन रही। शायद 3 डब्बे यहाँ पर रहेंगे, और अमाउंट क्या रहेगा वो तो अभी आइडिया है नहीं, पर यहाँ जो सीढ़ियाँ बन जाएगा ना ट्रेन, तो जैसे ये लोग हैं जो अक्सर यहीं पे रह रहे हैं, उनकी मुसीबतें थोड़ी सी कम हो जाएंगी, क्योंकि इतना वजन ले जाके ऊपर चढ़ना बहुत बड़ी बात है। हम लोग नॉर्मल वहाँ तक ऊपर चढ़ने की क्षमता ही नहीं थी, थक गए थे। और ये स्टेशन का जो बन रहा है ना, पूरा स्ट्रक्चर ऊपर तक गया और बहुत ज़्यादा मजबूती से बन रहा है। वैसे मैं आगे आप लोगों को जहाँ पे है ना दिखाऊंगा कि कैसे दिखता है ये स्टेशन। कितना दूर बाकी है? 50% है। Through my shadow, through the sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. ये कोई गोली दे रहे हैं जिससे हम लोग ऊपर चढ़ सके, तो अब दिखाएंगे जरा क्या दे रहे हो। ये है कोका-कोला गोली, ये देख सकते हो। और ये क्या दे रहे हो आप? कोका-कोला गोली दे रहे हैं लोग। ये विटामिन सी का काम करेगी और जिससे हम पास-पास चढ़ जाएंगे पहाड़। ओ, तो आप लोग आते हो तो इनसे ले सकते हो कोका-कोला गोली, गोली वाले बाबा। ये गोली वाले बाबा है जो गोली देते फिर रहे सब लोग को। मेरा नाम खराब कर रहे हैं अजीत, देखो ये गोली, इसको गोली नहीं दूंगा मैं। कितना ऊपर वाक बचा है? थोड़ा दूर है। ओके गाइस, हम लोग काफ़ी दूर पहुंच चुके हैं और अभी
इधर से देख सकते हो काफी कमी लोग हैं फिलहाल। आज 500 लोगों से पूछ चुके हैं, सुबह का टाइम है और हम लोग पूछ चुके हैं कम से कम 10 से 12 लोगों से कि कितना दूर है। सब लोग बोलते थोड़ा दूर है, कितना है आइडिया नहीं, चढ़ रहे हैं दिख रहा है तो हम लोग जा रहे हैं। और इन भाई का कहना है कि यहाँ से हमें कूदेंगे, तो देखते हैं क्या ये सच में कूदेंगे या बस। गाइज यहाँ पे मैं दूसरे का मजा ले रहा था और मैं खुद ही गिर गया था, बहुत ही ज़्यादा पैर में लग गया था, पर मुझे तो ऊपर जाना ही था तो मैं थोड़ी देर बाद तुरंत खड़ा हुआ और यहाँ पे फिर मैं घूमने लगा। और वहाँ से आए इधर तो यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो आप एक बार इधर दिखाएंगे तो जरा सा इधर है, थोड़ा सा संभाल के जाना पड़ेगा, वहाँ देख सकते हो आप लोग। लेकिन अभी मैं ना गिर गया था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग गया है, पर कोई नहीं, ये सब देख सकते हो गंदा हो गया है, चलेगा। हम लोग चलते ऊपर की तरफ, हमें अभी फ़िलहाल वहाँ जाना है, वो आप लोग देख सकते हो वो पहाड़ है ना, वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो गाइस चलते हैं, वीडियो में बने रहें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइज ये वो पटरी है जहाँ से मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको नीचे से दिखा रहा था ना, कि वो देख सकते हो यहाँ पे स्टेशन बन रहा है उसका। फिलहाल अभी कंस्ट्रक्शन में ये चालू है काम, यहाँ पे ये लोग पहाड़ वहाड़ तोड़ के बना रहे हैं कुछ तो, और ये पूरा बनेगा जब जब ही तैयार हो पाएगा, अभी कोई आइडिया नहीं कब तक रहेगा। अभी कितना दूर बाकी है आगे। गाइज यहाँ पे ना आप लोगों को बंदर बहुत सारे मिलते हैं, तो लोग ना 20 रुपए का आपको चना 5 पैकेट देते हैं, तो वो ज़रूर आप ले लें ताकि इन लोगों को खाने को दें। और ये किसी को काटते नहीं, ना ही तो आपको इन्हें छेड़ना है, ना तो आप लोगों को ये छेड़ते। आखिरकार हम लोग पहुँच ही गए हाजी मलंग दरगाह के बिल्कुल नज़दीक में। और फिर बाद में ना यहाँ पे लोग आप लोग को देख सकते हो, यहाँ पे लोग रोकेंगे आपको, दरगाह के लिए आप चादर ले लो, अगर आप चाहते हैं चादर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हाजी मलंग दरगाह के बिल्कुल करीब ही है और यहाँ पर से आप लोग को ये दरगाह दिख जाती है। तो यहाँ से हम लोग जैसे आ रहे थे तो हमको ये भाई मिले, इनका इनसे मुझे ये पूछना है कि जैसे हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं 2-3 घंटे के लिए, तो यहाँ पे क्या ये हमसे कुछ चार्जेस लेंगे या इनसे हम कुछ चीज़ें लेते हैं तो उसके जरिए में क्या रहता है। तो सर आप मुझे बताएंगे एक बार कि आपको चार्जर लेने में है या हम लोग भाड़े भाड़ा देते हैं आपको रुकने के लिए, क्या है। तो गाइस इनका कहना ये है कि आप यहाँ पे आते 2-3 घंटे भी अगर रुकते हैं स्टे करते हैं तो यहाँ की जो चादरें हैं दरगाह में चढ़ाने के लिए आप लेते हो तो वही रहेगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं रहता। यहाँ पे अप्सरा होटल है, यहाँ अगर आपको खाने वाना खाना है तो यहाँ पे आप आके खा सकते हो। बाकी रुकना है थोड़ी देर के लिए 2-4 घंटे, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो वैसे हम लोगों ने A7 लिया है और हम लोग अंदर अभी जाने वाले, तो यहाँ पे आप आ पाएंगे, लेकिन पत्थर पकड़ो, हाँ खड़े हो, सुई तक नहीं जा पाएंगे, हिलना है भाई, पत्थर फेंक के मारना नहीं है, उम्र दराज आदमी है भाई, मन अच्छा चढ़ रहे हैं।
ठीक है ओहो थोड़ा और ऊपर एसवी 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 एएसपी एसपी साले ऊपर चढ़ा दे इधर उतरेगा कैसे भाई नहीं 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 मत मत ठीक है चढ़ गया उतर के दिखाओ मैं क्या कर रहे हो गाइस आप लोगों को ना कुछ देर चलने के बाद जब हाजी मलंग दरगाह से आप घूम के आते हो ना आगे बढ़ते हो 5 मील दरगाह की तरफ तो आप लोगों को यहाँ पे एक पहाड़ी मिलती है जहाँ पे लोग सिक्के चिपकाते वैसे हम लोग भी यहाँ पे सिक्के चिपका रहे थे और यहाँ पे कहना है क्या है कि किसी का जो मन साफ होता है तो वो चिपक जाते हैं अलग अलग लोगों की राय वैसे मैंने चिपकाया ना मेरा तो चिपक गया था और ये दोनों लोग परेशान थे ये देख सकते हो ये पैसा चोरी कर रहे हैं यहाँ से पैसा चोरी कर रहे हो तुम चोरी कर रहे हो चोरी कर रहे हो ना 1 रुपया चोरी कर रहे हो दरगाह का ऐसा होता है कभी इन्हें पहचान लो ये 1 रुपये बस वैसे मैं ना इनके साथ मजाक करता था ऐसा कुछ भी नहीं था और कुछ देर पर हम लोग चलते हैं ना तो वहाँ पे हमको मिलती है 5 पीर की दरगाह वहाँ पे हम लोग कुछ देर रुकते हैं और फिर जब हम लोग बाहर निकलने लगते हैं तो वहाँ पे ना बहुत सारे आपको शॉप मिलती है जहाँ पे आप लोग को तावीज़ देते हैं रिंग पहनाते हैं और कई चीज़ें बताते हैं कि ये होता है वो आपके ऊपर अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं फिर हम और हमारी टीम चलने लगी घर के तरफ गाइज आप लोग जब ना हाजी मलंग शाह बाबा की दरगाह से होके 5 पीर दरगाह की तरफ जाते हो ना तो वहाँ जाने में आप लोग को घोड़े का टाप मिलता है ऐसा मानना है कि यहाँ पे जब हाजी मलंग शाह बाबा आए थे उनके घोड़े ने ठोकर मारा था जिसकी वजह से पानी निकला था तो उन्होंने वजू किया था उस पानी को आज भी लोग अपने घर पे लेके जाते हैं और बहुत सारे लोग लेके जाते हैं उससे बीमारियों में शिफा मिलती है लोगों का मानना है तो शिफा मिलती है और यहाँ का ना व्यू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत बढ़िया लगा लेकिन भाई साहब बहुत थक गए थे यार क्योंकि इतना ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हम लोग आ चुके हैं कल्याण स्टेशन के पास उतर के अभी फिलहाल 11:30 बजे हुए हैं और ये भाई की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मेरी भी और जो मस्त चले आए थे ना तो ये दोनों थे इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा बहुत ज़्यादा मजबूत ये है हम लोग को भरोसा नहीं था ये नीचे इतनी आसानी से उतर पाएंगे पर हमको तो बहुत दिक्कत हुई पर ये भाई मस्त थे और आराम से उतर गैस वैसे हम लोग कल्याण स्टेशन के पास जब पहुंचे तो यहाँ पे ना चने बिक रहे थे और कई चीज़ें बिक रही थी वही इसने ये जो है ना फैयाज भाई और मैंने हम दोनों ने चना लिया लेकिन फैयाज भाई की आदत ये थी कि ये किसी भी शॉप में रुक जाते थे वैसे भी मोटे आदमी जो रहते हैं ना उनको खाने पीने का बहुत शौक रहता है तो ये उनमें से थे और जिस शॉप में भी रुक रहे थे ना हर शॉप में ये कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें ले रहे थे हम लोग के साथ जब से गए थे ना आने तब तक ये खाते पीते ही आए थे और फाइनली हम लोग आ गए हैं अपना टिकट निकालने के लिए और हमें 3 टिकट लिए हैं यहाँ से क्योंकि इनके पास टिकट पहले से था और मैं आ चुका हूँ ट्रेन पे और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं अगला नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।